कूचबिहार से टीएमसी पर बरसे पीएम मोदी का संदेश, खाली के दोषी जेल में काटेंगे जिंदगी। इंडिया लाइंस पर भी पीएम मोदी का अटैक, कहा टीएमसी कांग्रेस और लेफ्ट धोखा दे रही, बंगाल में अलग दिल्ली में साथ साथ। बिहार में भी पीएम के निशाने पर आ विपक्ष, कहा घमंडिया गठबंधन लालटेन की लौ जलाना चाहता है, वो अपहरण की बात करते हैं, उद्योग लाने की। पीएम मोदी ने कहा कांग्रेस और आरजेडी ने भारत का नाम खराब किया, नौकरी के नाम पर गरीबों से ली गई जमीन, आप जहरीले सांप पर भरोसा कर सकते हैं, बीजेपी पर नहीं, सीएम ममता बनर्जी का निशाना। ममता बनर्जी ने कहा बंगाल में इंडिया अलायंस नहीं है, बंगाल बचेगा तो देश बचेगा। तेजस्वी यादव के पीएम पर हमले जारी, एनडीए प्रत्याशियों की डिटेल शेयर कर कहा विशुद्ध परिवारवादी उम्मीदवारों पर क्या कहेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम को बताया झूठों का सरदार, कहा वो सबको डराते हैं। सचिन पायलट बोले बीजेपी को 300 सीट दी तो मंत्रियों को जेल भेजा, 400 पार करा दिया तो किसी की परवाह नहीं करेंगे, कांग्रेस पार्टी अगर बर्बाद हो जाती है तो बीजेपी रीजनल पार्टियों को खत्म कर देगी, पी चिदम्बरम का बयान। बीजेपी मैनिफेस्टो कमेटी की दूसरी बैठक, मीटिंग राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमण समेत कई सदस्य हुए शामिल। रामनवमी से पहले बीजेपी जारी कर सकती है मैनिफेस्टो, सूत्रों के हवाले से खबर। देहरादून में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की रैली, कहा देश में अब तुष्टिकरण नहीं विकास की राजनीति चलेगी, अब की बार 400 पार सिर्फ नारा नहीं विकसित भारत की गारंटी, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान। दमोह में एमपी सीएम मोहन यादव ने किया रोड शो, कहा छिंदवाड़ा के साथ प्रदेश की सभी 25 सीटें जीतेंगे, लोकसभा चुनाव में बीजेपी की रिकॉर्ड जीत होगी, एमपी के मंत्री प्रहलाद पटेल का दावा। एमपी में सरकार गिराने के आरोप पर बोले केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, कोई मुझे साइडलाइन करेगा तो क्या चुप बैठूंगा। सीएम हिमंता का दावा, असम में मोदी लहर है, सूबे के मुस्लिम भी बीजेपी को वोट करेंगे। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में भगदड़, कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए गौरव वल्लभ, अनिल शर्मा और उपेंद्र प्रसाद। बीजेपी में शामिल होने के बाद बोले गौरव वल्लभ, कांग्रेस पार्टी गलत दिशा में जा रही, राम मंदिर और सनातन का विरोध स्वीकार नहीं। कांग्रेस नेताओं के बीजेपी में शामिल होने पर बोले प्रियांक खड़गे, लड़ाई बीजेपी से नहीं, कांग्रेस वर्सेस पुरानी कांग्रेस से है। रॉबर्ट वाड्रा ने फिर कहा अमेठी की जनता चाहती है मैं वहां से चुनाव लड़ूं, स्मृति ईरानी को सांसद बनाकर लोगों को गलती का एहसास हुआ। रॉबर्ट वाड्रा के बयान पर यूपी के डिप्टी सीएम का तंज, कहा उनका आवेदन ना हमें मिला ना उनकी सास और कांग्रेस पार्टी को। बीजेपी नेता मंजिंदर सिंह सिरसा बोले वाड्रा के बयान से साफ कांग्रेस वंशवाद की राजनीति से बाहर नहीं आ सकती। दिल्ली में कल कांग्रेस सीईसी की बैठक, दिल्ली हरियाणा झारखंड और पश्चिम बंगाल के उम्मीदवारों पर होगा मंथन। पप्पू यादव ने पूर्णिया से निर्दलीय नामांकन किया, कहा कांग्रेस का समर्थन हासिल। नामांकन के बाद पप्पू यादव का बड़ा आरोप, कहा मेरी राजनीतिक हत्या की साजिश हुई। AIMIM ने पूर्णिया और कटिहार से चुनाव लड़ने का फैसला किया, सिर्फ किशनगंज से लड़ेगी चुनाव। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार बोले बिहार में कांग्रेस को नहीं मिल रहे उम्मीदवार, सावधान उम्मीदवार बनने से बचे। राहुल गांधी के पास 9 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति, वायनाड से हलफनामे के दौरान की घोषित। वायनाड से बीजेपी प्रत्याशी के सुंदरेन ने भरा पर्चा, नामांकन से पहले स्मृति ईरानी के साथ किया रोड शो। स्मृति ईरानी ने रैली में IUML के झंडे छिपाने पर राहुल गांधी से पूछा सवाल, संविधान बचाना है तो SDPI का समर्थन क्यों ले रहे। स्मृति ईरानी पर कांग्रेस का पलटवार, सुप्रिया श्रीनेत बोली उनकी राजनीति मुद्दा और दिशा विहीन। स्मृति ईरानी के बयान पर डी राजा का पलटवार, का बीजेपी से हिंदू मुस्लिम करने में विश्वास रखती है। जम्मू कश्मीर में एनसी के 3 उम्मीदवारों का समर्थन करेगी कांग्रेस, उमर अब्दुल्ला का बयान। उमर अब्दुल्ला बोले अगर जम्मू कश्मीर की जनता 370 हटाए जाने से संतुष्ट तो हमें वोट ना करे, उमर अब्दुल्ला का बयान। CPM ने लोकसभा चुनाव के लिए मैनिफेस्टो जारी किया, सीताराम येचुरी बोले भारत में लोकतंत्र का अस्तित्व खतरे में। बीजेपी कैंडिडेट अमित राणा ने किया नॉमिनेशन, अमरावती से बीजेपी ने बनाया है उम्मीदवार। तिरुवनंतपुरम में बीजेपी उम्मीदवार राजीव चंद्रशेखर ने किया नॉमिनेशन, विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ रोड शो भी किया। केरल के अलापुजा से कांग्रेस प्रत्याशी KC वेणुगोपाल ने भरा पर्चा, कांग्रेस के कई नेता रहे मौजूद। पूर्व सीएम अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत ने किया नामांकन, जालौर से लड़ रहे हैं लोकसभा चुनाव। बेंगलुरु साउथ सीट से बीजेपी प्रत्याशी तेजस्वी सूर्या ने मंदिर में की पूजा, रोड शो कर बीजेपी के लिए मांगे वोट। कर्नाटक ने सारी सीटें बीजेपी को देने का मन बनाया, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बयान। छत्तीसगढ़ सीएम की सारंगगढ़ में जन आशीर्वाद रैली, बीजेपी के लिए मांगे वोट। कंगना रनौत को वोट देने का मतलब पीएम मोदी की फिर से चुनना है, मंडी से बीजेपी कैंडिडेट कंगना का बयान। हेमंत सोरेन दुमका लोकसभा सीट से चुनाव नहीं लड़ेंगे, JMM ने विधायक नलिन सोरेन को मैदान में उतारा। बागपत में अखिलेश यादव ने बदला उम्मीदवार, मनोज चौधरी का टिकट काटकर अमरपाल शर्मा को दिया टिकट। मेरठ से टिकट कटने के बाद बोले अतुल प्रधान, अध्यक्ष जी का फैसला मंजूर। मेरठ से सपा उम्मीदवार सुनीता वर्मा ने भरा नामांकन, अरुण गोविल को देंगी चुनौती। अपनी पार्टी ने 2 उम्मीदवारों का किया ऐलान, अनंतनाग से जफर इकबाल और श्रीनगर से अशरफ मीर को बनाया उम्मीदवार। शिवपाल यादव का धमकी भरा वीडियो वायरल, कहा वोट नहीं दोगे तो बाद में होगा हिसाब। मथुरा से बीजेपी प्रत्याशी हेमा मालिनी ने किया नॉमिनेशन, बीजेपी ने मथुरा से तीसरी बार दिया है टिकट। सीएम योगी ने हेमा मालिनी के समर्थन में की रैली, कहा अयोध्या में राम आ गए, मथुरा में अब कृष्ण भी आएंगे। सुरजेवाला के बयान पर भड़के सीएम योगी, पूरा देश सिखाएगा कांग्रेस को सबक। हरियाणा महिला आयोग हुआ सख्त, रणदीप सुरजेवाला को भेजा नोटिस, 9 अप्रैल को पेश होने का आदेश। सुरजेवाला के बयान पर बोली हेमा मालिनी, मुझे फर्क नहीं पड़ता, जनता मेरे साथ। महिलाओं को अपमानित करना कांग्रेस का पुराना कल्चर, बीजेपी नेता अपर्णा यादव का बयान। मैनपुरी से चुनाव लड़ने पर भी बोली अपर्णा यादव, पार्टी जो कहेगी वो करूंगी।
मानसिक संतुलन खो चुके हैं कांग्रेस नेता, बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी का निशाना। मथुरा से कांग्रेस प्रत्याशी मुकेश धनगर ने भी किया नॉमिनेशन, कहा बीजेपी के सांसद ने मथुरा का नहीं किया विकास। पार्टी से निकाले जाने पर कांग्रेस की टॉप लीडरशिप पर बरसे संजय निरुपम, कहा कांग्रेस में चल रही है 5 पावर सेंटर। संजय निरुपम ने कहा कांग्रेस पूरी तरह से बिखरी हुई पार्टी, आपस में लड़ते हैं सोनिया राहुल खड़गे। संजय निरुपम ने कहा कांग्रेस में वामपंथी सोच भी हावी, कांग्रेस ने रामलला प्राण प्रतिष्ठा का किया विरोध। कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान बोले संजय निरुपम ने पार्टी नहीं छोड़ी, कांग्रेस ने निकाला। कांग्रेस को सोचना पड़ेगा उसके नेता पार्टी छोड़कर क्यों जा रहे, एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी का बयान। महाराष्ट्र में कांग्रेस को एक और झटका, शरद गुट ने भिवंडी से सुरेश म्हात्रे को उतारा। शिवसेना ने 2 जगह पर बदले उम्मीदवार, हिंगोली से सांसद हेमंत पाटिल की जगह बाबू राव कदम को बनाया उम्मीदवार। चुनाव प्रचार में उतरे आदित्य ठाकरे, बुलढाणा में शिवसेना यूबीटी के लिए मांगे वोट। ओडिशा सरकार ने मतदान के दिन अपने कर्मचारियों के लिए छुट्टी घोषित की, राज्य में 13, 20, 25 मई और 1 जून को होगी वोटिंग। केजरीवाल का मैसेज लेकर फिर आई पत्नी सुनीता, कहा सीएम का निर्देश, विधायक अपने इलाकों में जाकर सुने लोगों की समस्याएं। केजरीवाल को सीएम पद से हटाने वाली याचिका खारिज, हाईकोर्ट ने कहा संकट की स्थिति में राष्ट्रपति या एलजी फैसला लेंगे। केजरीवाल के खिलाफ आपत्तिजनक होर्डिंग से नाराज आप, चुनाव आयोग से की बीजेपी की शिकायत। केजरीवाल समेत बाकी साथियों के जेल में रिहा नहीं होने तक संघर्ष जारी रहेगा, आप सांसद संजय सिंह का बयान। संजय सिंह ने कहा पार्टी और इंडिया गठबंधन के लिए मैं पहले से 10 गुना ज्यादा मेहनत से प्रचार करूंगा। दिल्ली के मंत्री गोपाल राय का बयान, जब तक सभी नेता रिहा नहीं होते तब तक आंदोलन जारी रहेगा। बीआरएस नेता के कविता की अंतरिम जमानत पर सुनवाई, सोमवार को राउस एवेन्यू कोर्ट सुनाएगा फैसला। सोनिया गांधी ने राज्यसभा सांसद पद के लिए शपथ, राजस्थान से सांसद चुनी गई है पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष। कांग्रेस चीफ खड़गे ने सोनिया गांधी से की मुलाकात, राज्यसभा सदस्य बनने के लिए दी बधाई। G2G समझौते के तहत भारतीय कामगारों का पहला जत्था इसराइल गया, उनकी सुरक्षा के लिए इसराइली अधिकारियों से बात हुई, विदेश मंत्रालय का बयान। 11वीं और 12वीं कक्षा के लिए CBSE ने किया बड़ा बदलाव, दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की बजाय कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन क्वेश्चंस पर होगा फोकस। बृजभूषण शरण के खिलाफ आरोप तय करने पर फैसला सुरक्षित, 18 अप्रैल को कोर्ट सुनाएगा फैसला। ईडी ने झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ दायर किया प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट, लैंड स्कैम केस का मामला। AIMPLB के मेंबर मौलाना खालिद रशीद फिरंगी की अपील, कल सड़कों पर ना पढ़े नमाज। राजस्थान में सब इंस्पेक्टर पेपर लीक का मामला, कोर्ट ने 11 ट्रेनी और एक कांस्टेबल को 4 दिन की रिमांड पर भेजा। चेन्नई पहुंचे तमिलनाडु के 19 मछुआरे, श्रीलंकन नेवी ने 6 मार्च को किया था अरेस्ट। कर्नाटक के विजयपुरा में 1.5 साल के बच्चे का सफल रेस्क्यू, बोरवेल से बचाव टीम ने सुरक्षित निकाला। रायगढ़ में CBI ने ड्रग्स कंट्रोलर विभाग से जुड़े 2 अधिकारियों समेत 3 लोगों को किया गिरफ्तार, पेशी के बाद कोर्ट ने 8 अप्रैल तक पुलिस कस्टडी में भेजा। सोनौली बॉर्डर पर UPSTF का बड़ा एक्शन, 2 पाकिस्तानी समेत 3 आतंकी गिरफ्तार। कानपुर में पेशी के दौरान सपा विधायक इरफान सोलंकी का फूटा गुस्सा, पुलिस प्रशासन पर भड़के, कहा मेरा भी एनकाउंटर करना है क्या। यूपी के कासगंज में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष, बदमाशों ने 2 लोगों को ट्रैक्टर से रौंदा, 1 की मौत 1 घायल। हैदराबाद पुलिस ने मर्डर केस में 1 आरोपी को पकड़ा, साजिश के तहत वारदात को दिया अंजाम। केदारनाथ में हुई भारी बर्फबारी, हर तरफ दिखाई दी बर्फ की चादर। इंदौर में एक शख्स ने 2 लोगों की हत्या कर सुसाइड किया, एक तरफा प्यार में उठाया कदम। अयोध्या पहुंचे कांग्रेस नेता चरणजीत चन्नी, रामलला के दर्शन किए, कहा भगवान का बुलावा आया था। प्रयागराज में एक प्रिंटिंग प्रेस में लगी भीषण आग, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। डॉलर के मुकाबले रुपए में 9 पैसे की बढ़ोतरी, 1 अमेरिकी डॉलर ₹83.44 पर रहा। हरे निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 350 अंक चढ़ा, निफ्टी 22,514 के पार।